हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिपल लाइटिंग। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल लाइटिंग क्या क्या है, लाइक की फिल एंड रिम लाइट। ठीक है, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ठीक है www.3drender.com पर जाओ। लाइटिंग है, ट्रिपल लाइटिंग है। ठीक है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, देन जेमी बर्न, उन्होंने लाइटिंग के बारे में बहुत अच्छा डिस्कस किया है। तो आई वॉन्ट कि थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो, पढ़ो। ठीक है, लाइक की लाइट कहाँ होता है, ठीक है, कितने एंगल पर आपको की लाइट का प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, लाइक टॉप से आपके दिखाया हुआ है, ठीक है, फ्रंट से दिखाया हुआ है, प्रोजेक्टर में दिखाया हुआ है, की फिल इसकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक है, की फिल एंड रिम। ओके, लाइक कुछ चीज़ मैंने यहाँ पे अपने चैनल पे भी शेयर किया है, लाइक व्हाट इज़ की, व्हाट इज़ फिल एंड व्हाट इज़ रिम। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे की लाइट का रोल क्या है, लाइक सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो होता है। ओके, और अगर मैं देखो रिम के बारे में भी गिवन है यहाँ पे, ठीक है, फिल के बारे में भी यहाँ पे गिवन है कि ठीक है लेस इंस्टेंस होता है यहाँ पे तो कंपेरिजन टू की, देन आपके पास फिर यहाँ पे रिम भी है। ओके, रिम में भी लाइक यहाँ पे मेंशन किया है कि इसे बैकलाइट कहते हैं, ठीक है, बिहाइंड द सब्जेक्ट होता है। आई वॉन्ट कि थोड़ा सा इस डेटा को आप देख लेना एक बार, ठीक है, मैं आपको जस्ट बेसिक वे में मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि किस टाइप से चीज़ को फुलफिल किया जाता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक मॉडल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एक मॉडल हमने लिया सेफ टाइप सेफ फ्रेम, ठीक है, सेफ फ्रेम में चलते हैं हम लोग यहाँ पे, कंट्रोल सी फॉर कैमरा, कैमरा लगाओ आप यहाँ पे, ठीक है, गो टू टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू, ठीक है, लाइट को हमें लगाना स्टार्ट करना है, सिंपल सा पार्ट। स्टैंडर्ड पे चलते हैं यहाँ पे, टारगेट स्पॉट लाइट, ठीक है, टॉप, आप उसको कुछ एक अप्रोक्सीमेट आप इस टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्टिव पे गए हम लोग यहाँ पे। ओके, देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइक लाइट है, लाइट कैसे हम लोग यहाँ पे लाइट है, मेरे पास एक शैडो भी ऑन करते हैं यहाँ पे, कैमरे में चलते हैं, स्विफ्ट क्यों रेंडर, लाइक यहाँ पे इंपैक्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे। ओके, तो सीन को थोड़ा सा मैनेज करते हैं यहाँ पे, लाइक मेरे पास बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ग्रे। ओके, लाइट का इंपैक्ट कैसा है मेरे पास यहाँ पे, कुछ विजुअल है, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस का पार्ट आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, डन करके आप यहाँ पे चेक कर सकते हो लाइट है कि नहीं है। एक स्पॉट लाइट हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ओके, स्पॉट लाइट है, शैडो मैप ऑन कर रखा है यहाँ पे, इसकी इंटेंसिटी लाइक 1 है, मैंने अगर मैं यहाँ पे यूज़ करता 0.8 यूज़ करके देखें यहाँ पे किस टाइप से इंपैक्ट यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, और सब पर वाइट टिंट्स आ रहा है। 8 प्लस करते हैं यहाँ पे, वाइट टिंट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे मैनेज करते हैं यहाँ पे। ओके, तो चीज़ आपके सामने यहाँ पे विजुअल होगा आपके यहाँ पे, लाइक अगर मैं से वाइट ब्लैक की तरफ लेके जाऊँ तो देन चाहिए कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने एक लाइट यूज़ करके है जिसका नाम है की, नेमिंग कर देते हैं हम लोग यहाँ पे KY की, ठीक है, की लाइट है। अब मैं रेंडर किस में कर रहा हूँ, रेंडर हमें यहाँ पे पता होना चाहिए, लाइक स्कैन लाइन रेंडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मेंटल लेक अलग प्रोसेस है, आपका स्कैन लाइन का अलग प्रोसेस है, शैडो चेंज हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, अभी स्कैन लाइन पे काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइटें वही तीन लगेंगी यहाँ पे, ठीक है, एक जस्ट की, जस्ट मैंने यहाँ पे काम किया फिल, ठीक है, नेमिंग कर दो आप यहाँ पे फिल, ठीक है, फिल के बाद इसकी जो इंटेंसिटी है कितना होना चाहिए 0.4, ठीक है, सेफ टर्न क्यों, तो डार्कनेस को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, लाइक देखते हैं थोड़ा सा क्रॉस चेक करते हैं यूजेस कुछ हो भी रहा है कि नहीं, लाइक की लाइट को यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, देन ऑफ, ठीक है, देखो फिल लाइट का इम्पैक्ट आपके सामने यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ओके, सोच मैंने इसे ऑफ कर दिया, दोनों को ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ इंपैक्ट है मेरे पास यहाँ पे, एक लाइट को मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, जस्ट कॉपी रिम, ठीक है, रिम लाइट, लाइक मैं इसकी इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, और थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कि कुछ विजुअल है कि नहीं यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट एंड क्यों, कुछ लाइनों का यहाँ पे पार्ट है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे रिम लाइट लाया, रिम लाइट को मैं कंट्रोल कैसे करूँगा यहाँ पे, रिम लाइट को अगर देखो आप यहाँ पे, रिम लाइट को हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ पार्ट है यहाँ पे, लाइक शैडो ऑन कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, जो भी कुछ कलर में चेंज करके देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल सा, लाइक रेड होता है आपका नेगेटिव के लिए, ठीक है,
आप यहाँ पे सिंपल सा पार्ट जो कि यहाँ पे चीज दिखने पे लाइट के अंदर भी एक ऑप्शन है, यहाँ पे लाइट पे लाइक रिम लाइट, आप रिम लाइट की आइज के थ्रू देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सिंपल यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे लाइट मिलेगा, लाइट के अंदर री एंड के की पे चलो, की को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, की का एंगल के स्टेप्स आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। क्लिक करो आप यहाँ पे, फिल पे चलो, फिल का एंगल आपको किस स्टेप से देना है तो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। की फिल और रिम, ओके, एमपी फोर परस्पेक्टिव, चेक करो यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे देखें यहाँ पे कैमरा, स्विफ्ट एंड क्यों लाइने कुछ बननी है यहाँ पे, जो हम बैकग्राउंड से तो सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, यही सेम पार्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे करेक्टर है, करेक्टर के आगे यहाँ पे लाइट लगाया गया यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल पार्ट, एक लाइट यहाँ पे ऐड ऑन किया है यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी जो भी देखिए 0.7 येलो कलर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, जस्ट कॉपी के यहाँ पे, ओके। नेमिंग आप कर सकते हैं यहाँ पे की एंड फिल, ठीक है, अपन नेमिंग यहाँ पे क्या हुआ है, ओके, की फिल इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है, जो भी कोई कलर है कलर का अमाउंट और नंबर्स लिखे यहाँ पे, ठीक है। एक का येलो कलर कर रखा है, एक का ब्लू कलर किया हुआ था यहाँ पे, थोड़ा सा चीज़ को मैनेज किया हुआ है, ओके। एक और लाइट की जस्ट कॉपी कर ली, दैट इज कॉल्ड रिम, रिम को यहाँ पे सेपरेट दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बेसिक पार्ट, ठीक है, हर लाइट का शैडो बनना है यहाँ पे, चीज़ को सेपरेट करने के लिए चीज़ को मैनेज किया हुआ है कि ठीक है किस तरह से आप चीज़ को मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, सारी लाइटों को ऑफ करके लाइक आप रिम लाइट आपका मैनेज किया हुआ है, देन एक नहीं दो एंगल से भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइक यहाँ का पूरा पार्ट है, आप यहाँ पे कलर चेंज कर लो आप यहाँ पे, जिसके सामने अगर यहाँ पे जिसका जो कलर उसका सामने वैसे ही कलर भी यूज़ कर सकते हो, देखो दोनों तरफ से दिख रहे हैं यहाँ पे लाइट का कलर, यहाँ पे लाइट का कलर, दैट इज कॉल्ड रिम। चीज़ को हम लोग इस टाइप से मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक क्लोजअप में भी है, लाइक आइज के पास मैं कहूँ आँखों के लिए भी एक अलग लाइट लगाते हैं जो सिंपल आई पे लिंक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब कि इसमें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा लाइक मेंटल में भी किस टाइप से काम करते हो, लाइक एक बार हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड पे मेंटल पे आपका मेंटल इंजन ऑन हो जाएगा, प्रोसेस ये होगा, लेकिन देखो इसमें क्वालिटी आपको थोड़ा बेटर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बस यही एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस, आप करेक्टर को आप अपने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लाइट के साथ हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लाइट है मेरे पास यहाँ पे, लाइक सपोज सीफर कैमरा, कैमरा टू, कैमरा वन, कैमरा थ्री, लाइक क्लोजअप पे आके हम लोग यहाँ पे देखना स्टार्ट करें तो भी दिख रहा है यहाँ पे लाइट का इम्पैक्ट, ठीक है। अब इनको मैनेज कैसे किया जाए, यहाँ पे मैनेज करने के लिए लाइक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप चीज़ों को समझो कि फिल एंड रिम का रोल क्या है, लाइक की कौन करते हैं, की पे यहाँ पर कलर देना, कलर दे देंगे हम लोग यहाँ पे, लाइक येलो कलर देने का पर्पज भी क्या है, लाइक एज ए सन हल्का सा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ वन, अब देखो यहाँ पे जब लाइट बर्न करने लगे तो यहाँ पे समझ आना चाहिए कि यार लाइट की इंटेंसिटी ना आपको मैनेज करना है, जरूरी नहीं वन पे काम करें, लाइक 0.7 स्केलिंग वाइज हमें चीज़ को मैनेज करना है कि यार कहाँ से किसका इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, हर तरीके से हमें लाइट को मैनेज करना है। लाइट के अगर इंटेंसिटी मेरे पास ज़्यादा कहीं से आ रहा है तो मैं यहाँ पे देखूँगा लाइट को ऑफ करके, दोनों को ऑफ करके देख रहा है यहाँ पे इम्पैक्ट कहाँ से और कैसा देख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लाइक सपोज मैंने लाइट ऑफ कर दिया, सब मैंने लाइट ऑफ कर दिया, फिर भी अगर मैं यहाँ पे सीन पे कुछ इम्पैक्ट आ रहा है, इट मीन्स कहीं सीन से मेरे पास लाइटिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइक मेंटल है स्विच करते हैं, एक बार चेक करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया स्कैन लाइन, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज देखो, इसके अंदर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी ऐसे इम्पैक्ट आ रहा है, ऐसा क्यों, ओके। जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइक टूल्स लाइट लिस्ट, यहाँ पे कुछ लाइट रहती है, हम लोग इन लाइट को यूज़ करते हैं, लाइक मैं अभी यूज़ करता हूँ की लाइट, की लाइट मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे, की एंड देन स्विफ्ट एंड क्यों, की का इम्पैक्ट आपके सामने यहाँ पे, ठीक है।
लाइक फिल मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, फिल लाइट शिफ्ट एंड क्यू, डार्कनेस कम हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एंड डिम लाइट शिफ्ट एंड क्यू, प्रॉपर आपका रेड लाइन यहाँ पे दिखना स्टार्ट। आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, और इसी तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। लाइक ये लाइट है मेरे पास यहाँ पे, अगर मैंने एक और कॉपी कर दिया यहाँ पे, जस्ट कॉपी देन शिफ्ट एंड क्यू, प्रॉपर रिम लाइट अपने यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। आप अगर चाहो कि अच्छे से देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लाइट को ऑफ कर दें, यहाँ पे दोनों लाइट को कर दिया मैंने ऑफ, ठीक है, की एंड फिल को ऑफ कर दिया, मेरे पास यहाँ पे रिम विजुअल है, ठीक है, दिस इज कॉल रिम लाइट। वन बाय वन करके आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, ऑन करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके, एक प्रॉपर वे में जो कंपनी की जो डिमांड होती है उनको हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइटिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों लाइट किया यहाँ पे की फिल एंड रिम, ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो गाइस मैं थोड़ा सा कुछ ऐड ऑन करता हूँ इसमें, ठीक है, यहाँ पे कुछ सीन में कुछ लाइट है, ठीक है, लाइक देखो यहाँ पे ओमनी लाइट ऐड ऑन करते हैं, यहाँ पे ऑन किया, यहाँ पे सारी लाइट ऑफ है, यहाँ पे कलर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लाइक कलर कैसा है, इसका यूज़ देखो यहाँ पे, जो डार्कनेस वाला एरिया था उसने भी वो भी फिलफिल कर दिया गया, ऐसा क्यों और किस लिए किया गया, लाइक इसे मैं ऑफ करता हूँ यहाँ पे, आप कंपेयर करके देखो आप यहाँ पे, यहाँ देखो ब्लैक से एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ब्लैक से एरिया जो है ना वो थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट भी दे देता है। आप चाहते हो कि ब्लैक से एरिया ना दिखे तो एक सिंपल सा पॉइंट लाइट लगाओ, पॉइंट लाइट दैट इज कॉल्ड ओमनी लाइट, ठीक है, ओमनी लाइट भी कहते हैं, पॉइंट लाइट भी कहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंटेंसिटी रखनी 1.5, कलर आपने रखना है, ठीक है, शैडो इसका ऑन नहीं करना, शैडो ऑन करते क्या होता है कि लाइट रुक जाती है, ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने, देखो लाइट है मेरे पास, शैडो ऑन, अगर सपोज मैंने ऑन कर दिया यहाँ पे तो लाइटें आपके यहाँ पे रुक जाएंगी, यहाँ पे देखो अंदर नहीं जा पा रहा है ना यहाँ पे, और यही काम मैंने अगर शैडो ऑफ कर दिया तो लाइट ना कहीं पे भी ट्रेवल कर जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं डार्क एरिया बेटर हो गया यहाँ पे, ओके, देन इन्हीं चीज़ को देखें दूसरे वे में, लाइक स्पॉट लाइट है यहाँ पे, स्पॉट लाइट को मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, यहाँ पे सिंपल अबाउट स्पॉट लाइट, ठीक है, और क्या यूजेज है यहाँ पे, प्रॉपर वे में एक लाइट दिया गया जो एज ए की है, ठीक है, जो कलर आपको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे, इसका आर जी बी वैल्यू है, आर जी बी वैल्यू रेड आपका 249, ठीक है, ग्रीन आपका 189 एंड ब्लू आपका 156, ठीक है, लाइक प्रॉपर एक प्रॉपर कैरेक्टर पे कलर दे दिया गया यहाँ पे, बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, लाइट है और शेडो भी है यहाँ पे, ठीक है, शेडो आपका शेडो मैप है, ओके, शेडो मैप का पैरामीटर अगर आप देखो यहाँ पे तो 1 एंड 1 के, लाइक शेडो अगर हमें शार्प करना हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके शेडो के लिए यहाँ पे साइज़ को मैनेज करना पड़ेगा, लाइक बाय डिफॉल्ट 500 भी होता है, 256 भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जितना शार्प शेडो चाहिए वहाँ पे आपको साइज़ को मैनेज करना पड़ेगा, साइज़ आपका होगा 1K 1024, सैम्पल रेंज उसके शार्पनेस को स्मूथ करेगा, लाइक बहुत हार्ड होगा उसे हल्का सा ब्लर करेगा 4, ठीक है, वो यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे, ओके, देन एक और सेकेंडरी लाइट, लाइक एक और पार्ट लाइट की पोजिशन देखो आप यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे थ्री पॉइंट लाइटिंग किया ना यहाँ पे, वैसे ही ना थ्री पॉइंट लाइट किया गया है विद हेल्प ऑफ ओमनी लाइट। सपोज मैंने अपने पुराने लाइटों को ऑफ कर दिया यहाँ पे, चेक करो यहाँ पे, ठीक है, कैमरा 1, ओके, शिफ्ट एंड क्यू, जो सेकंड लाइट है आपके पास यहाँ पे वो क्या आपका इधर का फिल एरिया, ठीक है, लाइक ये वाला लाइट आप देखो आप यहाँ पे रिम, तो प्रॉपर इस टाइप से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आप सीन में देखो लाइटिंग किस टाइप से करनी है तो आप चीज़ों को ऐसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग एंगल वाइज आप यहाँ पे रेंडर कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, स्विफ्ट एंड क्यू, लाइक कार्टूनिंग पे आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ओके, बैक पे भी है, फिजिकल कैमरा भी यहाँ पे, ये ध्यान रखना कोई भी चीज़ कटना नहीं चाहिए यहाँ पे, लाइक जैसे पाँव कट रहे हैं तो हम यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे, तो ये भी एक पार्ट है, आप इस टाइप से भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, टोटल लाइटिंग देखो तो लाइट कितने हैं यहाँ पे,
एक तो एक ये भी पार्ट है और ये भी पार्ट है, आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके गाइस, थैंक यू।